से आए हैं? हम हापुड़ जिले से आए हैं मैडम। आप हापुड़ जिले से, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पहुँचे हुए? 9 दिन हो गए हैं। 9 दिन हो गए और आप यही हैं। आपका राशन पानी रहना व्यवस्था क्या है? सब अपने आप कर रहे हैं जी। सब अपने आप कर रहे हैं। आसपास के लोगों से कोई समर्थन मिल रहा हो? सबका समर्थन है किसानों का। अच्छा, किसानों का समर्थन है। आम जनता कितना, आम जनता कितना साथ है आपके? असल में जो ये सरकार है, इस सरकार ने का बहुत बड़ा एजेंडा अपनाया है, सब कामरों को जोड़ती है कि एचएम से, मतलब हिंदू मुस्लिम से, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब से 7 साल पहले कांग्रेस सरकार थी, ये एक जुमले के साथ यहाँ सरकार में आई कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और हम काला धन वापस लाएंगे। बहुत सारी इन्होंने अपनी 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 बात रखी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछली 7 सालों में विधायक की भी आय बढ़ी है, ट्रैक्टर के भी पैसे बढ़े हैं, और जो तुम्हारा क्या नाम है, खेती का जो भी समाधान है, मतलब यूरिया और सब चीज़ों के पैसे बढ़े हैं। लेकिन क्या नहीं बढ़ा, सिर्फ एक किसान की आय। पिछली बार 7 सालों पहले धान जो बिकता था हमारा 3500 रुपये बिकता था, लेकिन आज की डेट में धान हमारा कितना बिक रहा है? आज की डेट में हर धान बिक रहा है 1200 रुपये, 1100 रुपये। मक्का बिकती थी 1800 से 2000 बिकती थी, आज की डेट में मक्का बिक रही है 800 रुपये। ये लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम किसानों का दुगनी करेंगे 2022 तक। अरे कैसे करोगे, एक बार बता दो हमें भी। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, नए बिलों में ऐसा सुनाई, ऐसा जानने में पड़ा है हमें, 13 फसलें ऐसी रखी गई हैं जो मेन फसल से हटा दी गई हैं, जिसमें गेहूं और मतलब धान और चावल भी है, तो उसका क्या लॉजिक है, उसके खिलाफ आपकी क्या मांग? हम जो एक बात यहाँ कहने आए हैं, हम तो बस इतना कहना आए हैं कि अब से पहले इन्होंने तीन ये हमारे खिलाफ मतलब नए नियम लाए हैं किसान के खिलाफ। भाई अब से पहले इन्होंने तलाक का बिला और तलाक से पहले भी 370 लगाया, सब ने इनकी राय मांगी, इन्होंने जनता की राय मांगी, अपने विधायकों की राय मांगी, लेकिन ऐसा इस बिल में क्या था कि इन्होंने 3 दिन में पारित कर दिया? ऐसा क्या था इस बिल में? उसके बाद भी चलो ठीक है, हमने इनका बिल भी मान लिया। हम तो एक बात कहना चाह रहे हैं कि जब ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो एक MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको भी भाई तुम पक्का कर दो। हम तो एक बात कह रहे हैं कि 1975 में इनका गेहूं का रेट, इनका सरकारी रेट है, उस रेट को करने के, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उससे नीचे कोई खरीदेगा ही नहीं, हम संतुष्ट हैं। ये कहने कि धान का रेट 1875 रुपये, मोटा चावल, चावल की कई वैरायटी होती है, एक होता है मोटा चावल जिसकी न्यूनतम समर्थन निकालते हैं 1875 रुपये उसका रेट है, उसको फाइनल कर दो भाई। तो आपकी मांग ये है कि किसानों को कम से कम अपनी जेब से ना देना पड़े। हाँ, अपनी जेब से देना पड़े करने लायक। हाँ, और थोड़ा सा फायदा हो जाए, आप लोग जैसे मैं देख रही हूँ ये पूरा बॉर्डर सील करा हुआ है, पूरी बैरिकेडिंग करी हुई है, तो ये बैरिकेडिंग में पुलिस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? पुलिस हमारे समर्थन में, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, जय जवान और जय किसान। तो पुलिस आपके, क्योंकि जवान भी हमारे ही हैं, जवान भी मेरे भैया, दो भैया हैं मेरे, वो भी आर्मी की, एक पुलिस की सेवा कर रहा है, और मैं यहाँ तीसरा हूँ, मैं किसान की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि जय जवान जय किसान हमारा ये नारा है। हमारी जवान से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। तो मतलब पुलिस यहाँ आपके समर्थन में है, लेकिन सरकार आपको दिल्ली नहीं जाने दे रही, क्योंकि सरकार के दिमाग में मक्कारी भर गई है अब, क्योंकि उनको जहाँ भी चल रहा है वो तो एक सीधा सीधा एजेंडा जोड़ते हैं, HM जोड़ दो, हिंदू मुस्लिम जोड़ दो। ठीक है भाई, इन्होंने इस तरह का प्रोपगंडा फैला दिया है इस टाइम समाज में कि हिंदू मुस्लिम सर्वोपरि है। बाकी एक किसान ये नारे लगवा रहे हैं कि भाई क्या नाम है, तुम खालिस्तान के हो, किसान हो। अरे भैया, एक पगड़ी वाला सरदार यहाँ तो खालिस्तान का हो गया क्या? वो सब लोग यहाँ यूपी के अलग अलग जिलों, अलग अलग जिलों से है, कोई पगड़ी लगा के अपनी सम्मान रख रहा है। यहाँ पे दवाई का शिविर कैसा लगा हुआ है? शिविर ये राजा महेंद्र प्रताप जी की तरफ से है। अच्छा, अखिल भारतीय आदर जाट महासभा राजा महेंद्र प्रताप सिंह सर्व समाज मंच की ओर से निःशुल्क शिविर लगाया जा रहा है। अच्छा, किसानों के। तो ये यहाँ पर उनको दवाई और इन सब की सुविधा सब फ्री थी, पूरी जाँच हो रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।